पीछे भाई काफी ज्यादा दर्द नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब अभी हमारे सामने खड़ी है 2024 अपाची आरटीआर 4V और भाई 2024 बजाज पल्सर NS160। ये भाई NS160 टॉप मॉडल नहीं है, इससे भी टॉप मॉडल है भाई जो एलईडी हेडलैम्प और एलईडी इंडिकेटर के साथ आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये भाई मैंने चॉइस किया, इसको लेकर आया हूँ खासकर क्योंकि ये बाइक थोड़ा सा चली हुई खुली हुई तो भाई ड्रैग रेस करने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर भाई अपाची आरटीआर 4V जो भाई काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोडेड है, वहीं पर अदर एंड आपको NS200 जो कि भाई जैसे पहले आती थी सेम कुछ वही है, बस USD अप्स एंड डाउन फोर्स से भाई। और क्या प्राइस का डिफरेंस है और क्या पावर का डिफरेंस है सारा कुछ आज बात करने वाले हैं और भाई बाइक को भगा कर यहाँ पर देखने वाले हैं। रोड यहाँ पर पूरा खाली है भाई, सेफ रोड है। तो वीडियो यहाँ से पूरा देखना। अब यहाँ से आपको बताते हैं भाई पहले अपाची आरटीआर 4V के बारे में। तो अपाची आरटीआर 4V का यहाँ पर भाई आप देख सकते हो स्पीडोमीटर भाई डिजिटल स्पीडोमीटर है और यहाँ पर आपको मोड मिल जाएगा भाई अलग अलग तरीके का। यहाँ पर अर्बन मोड अभी है, चलो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड में कर देते हैं भाई। स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पर भगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भी ज़्यादा मोड है भाई यहाँ पर, आप मोड सारा अपने हिसाब से भाई मोड यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको लीवर भी एडजस्टेबल मिलता है भाई, आप यहाँ पर लीवर एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर आप अपने हिसाब से। ये सारा कुछ फीचर इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको भाई बाइक जो देखने को मिलने वाली है रेड और मैट ब्लैक के टच में पूरी बाइक आपको यहाँ पर देखने वाली है। और इसका रेयर टायर की बात करें तो भाई यहाँ पर 130 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा भाई 90 सेक्शन का। और यहाँ पर भाई अब आते हैं पल्सर NS160 के बारे में भाई। तो NS160 को भाई सामने में आपको यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगा और हेलोजन इंडिकेटर और यहाँ पर भाई USD अप्स एंड डाउन फोक्स मिलेगा। डबल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, वो भाई अभी सिंगल चैनल ABS है, डबल चैनल ABS भी भाई इसका टॉप मॉडल है। बात करते हैं भाई इस बाइक का प्राइस, तो भाई 1,70,000 ऑन रोड प्राइस है भाई बिहार शरीफ का। और वहीं पर अपाची आरटीआर 4V आपको मिल जाएगी 1,64,000 में, जो कि भाई अब आपको डिसाइड करना कौन सी बाइक लेना है। ये बाइक थोड़ा भाई फ्यूचर में लोडेड है, वो बाइक भाई आपको जैसे पहले आती थी सारा कुछ सेम है, लेकिन इसका भी टॉप मॉडल आ चुका है लेकिन उसका भी थोड़ा सा प्राइस भाई इंक्रीज हो चुका है। तो भाई ये आपको यहाँ पर भी इसका भी फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा भाई MRF का 90 सेक्शन का और रियर टायर भी भाई MRF का 130 सेक्शन का मिलने वाला है। तो चलो बिना देरी के भाई रोड पर यहाँ पर भगा कर एक बार आपको दिखाते हैं। तो पहले आपको NS160 का एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। यहाँ पर भाई आपको अंदर के लिए एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। तो भाई सब कुछ ये रहा NS160 का एग्जॉस्ट नोट। यहाँ पर भाई आपको फुल सिस्टम मिलेगा पार्टी का, यहाँ पर देख सकते हो भाई एग्जॉस्ट नोट इसका। तो भाई कमेंट करके बताना किसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा आपको। चलो बिना देरी के भाई बाइक को भगाते हैं और टॉप स्पीड देखते हैं भाई क्या कंपेरिजन निकल कर आता है, क्या बाइक कौन सी बाइक आगे निकलती है, कौन सी बाइक भाई टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाई पार्टी आरटीआर निकल गई है आगे, काफ़ी अच्छा लॉन्च हो चुका है भाई यहाँ पर। पीछे ही पीछे चल रही है भाई NS160 भी। ये देखो बुढ़ाओ का, ये देखो काफ़ी ज़्यादा आगे भाई, अब बाकी आप यार 4V काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया भाई। यहाँ पर भाई शुरू से लेकर लास्ट तक लीड करते हुए अपाची आरटीआर 4V निकल चुकी है काफ़ी ज़्यादा आगे। पूछते इससे कितना लेकर गया था, ये कितना तक गई थी भाई? तो भाई सब शुरू से लेकर लास्ट तक भाई अपाची आरटीआर 4V निकल गई थी आगे, इसको लेकर गया भाई 118-120 तक। और पता नहीं क्या रीजन था भाई, बाइक काफी ज्यादा पीछे रह गई लगता है भाई, लॉन्च ठीक से नहीं हो पाया और शिफ्टिंग का प्रॉब्लम चल रहा था। सेकंड अटेम्प्ट करते हैं भाई, सेकंड अटेम्प्ट करके देखते हैं भाई भगाकर मैं NS160 को और ये चलाएगा अपाची आरटीआर 4V, उसके बाद देखते हैं भाई क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा गैप मेंटेन करके चल रही थी भाई अपाची आरटीआर 4V NS160। तो चलो सेकंड अटेम्प्ट मैं चलाता हूँ भाई NS160 और उसको बोलता हूँ चलाने के लिए अपाची आरटीआर 4V, उसके बाद देखते हैं भाई क्या रहता है रिजल्ट। अभी तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट निकला है, अपाची आरटीआर 4V जीत चुकी है, सेकंड अटेम्प्ट करके देखते हैं एक बार क्या होता है रिजल्ट। यहाँ पर भाई अभी तो बराबर का चल रहा है रेस। अपाची आरटीआर 4V निकल ही जा रही है आगे, गैप लेकिन काफी कम है भाई, काफी ज्यादा गैप नहीं है।
और सेकंड नंबर पर गैस ज़्यादा रहेगा, गैस अभी गैस ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखोगे तो भाई 115 बस लोगों में ये स्पीड कर रही है गाइस 116 तो भाई क्या बैठ रहा है भाई। यहाँ पर भी भाई सेकंड अटेम्प्ट में विनर रह गई है अपाची RTR 4V, थोड़ा ही सा गैप मेंटेन हुआ भाई शुरू में, भाई इनिशियल में आगे निकल गई थी अपाची RTR 4V, लेकिन भाई बराबर का ही रेस चल रहा था, थोड़ा सा पीछे चल रही थी भाई, समझो कि 1 मीटर या हाफ मीटर तक पीछे पीछे चल रही थी NS 160। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई जो हुआ था ना, गैप काफ़ी ज़्यादा भाई मेंटेन कर रही थी अपाची RTR 4V, लॉन्च में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्या था नहीं था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भाई बराबर में चल रही थी, 1 मीटर पीछे चल रही थी बाइक, 1.5 मीटर पीछे थी ना, मैटर ये हाँ मैटर तो ये जीत गई, लेकिन इनिशियल बहुत बेस्ट है इसका, यही हुई तो वो तो है ही, जो शुरू से लेकर लास्ट तक तो आगे चल ही रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वही रिजल्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शुरू से लेकर लास्ट तक चल रहा था आगे, सेकंड अटेम्प्ट में भी शुरू से लेकर लास्ट तक चला, लेकिन यही कि थोड़ा सा पीछे NS 160 1 मीटर 1.5 मीटर पीछे चल रही थी, थोड़ा सा पावर ज्यादा है, थोड़ा टॉर्क भी ज्यादा, हाँ पावर टॉर्क है इसका, अब यह नया बाइक आया तो इस पर थोड़ा रिफाइन होकर आया और काफी ज्यादा अच्छा है इसका इनिशियल पावर, मेरा वेट भी तुमसे थोड़ा सा ज्यादा इसलिए वही पड़ा हुआ इंपैक्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम चला रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ काफी ज्यादा वेट का यहाँ पर काफी ज्यादा खेल है ना, जितना लाइट वेट रहेगा उतना ज्यादा टॉप स्पीड बाइक ज्यादा भागेगी, क्योंकि वेट का भी ज्यादा खेल होता है, तेरा वेट ज्यादा था तो वहाँ पर शुरू में ये हो रहा था कि काफी ज्यादा गैप मेंटेन हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में ये थोड़ा पीछे, लेकिन देखा जाए तो विनर यही है अपाची RTR 4V विनर है, देखा जाए मिला जुला के तो विनर अपाची RTR 4V है भाई विनर। तो वीडियो कैसा लगा भाई आप लोगों को कमेंट करके बताना, और चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, चलो।